दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार प्रतिवर्ष फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को होली का त्योहार मनाया जाता है। इस वर्ष होलिका दहन का आरंभ 2024 में होली 24 मार्च को 9:24 में जो तिथि प्रारंभ हो जाएंगे और 25 मार्च को दोपहर 12:29 में समाप्त होगी, तो होलिका दहन 24 मार्च को करना है और रंगोत्सव 25 मार्च को मनाना है। और एक खास बात बता दूं दोस्तों, 24 मार्च को बहुत बड़ा चंद्र ग्रहण है, अर्थात दोस्तों इस साल होलिका दहन में बहुत बड़ा चंद्र ग्रहण रहेंगे, तो जो लोग मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं उनके लिए दोस्तों सोने पर सुहागा है, लेकिन इस दिन भद्रा का साया रहेगा। इस वजह से रात के समय होलिका दहन किया जाएगा और अगले दिन 25 मार्च को रंगों की होली खेली जाएगी। दोस्तों, अगर आपके जीवन में धन से जुड़ी समस्या है तो आप होली की अग्नि में ये तीन चीजें जरूर डालें। चाहे कितनी भी बड़ी समस्या हो, धन के मार्ग में कितनी ही बड़ी रुकावट हो, वह जड़ से नष्ट हो जाती है, क्योंकि होली की अग्नि में इतनी पवित्रता और इतनी शक्ति होती है कि यह बड़े से बड़े पापों को नष्ट करने की क्षमता रखती है। इसीलिए शास्त्रों में होलिका दहन को बहुत ही महत्वपूर्ण उत्सव के रूप में मनाया जाता है, लेकिन शास्त्रों में कुछ ऐसी भी वस्तुओं के बारे में बताया गया है जो भूल से भी होली की अग्नि में नहीं डालनी चाहिए। कई लोग जानकारी ना होने के कारण होली की अग्नि में इन चीजों को डाल देते हैं। ऐसा करना बहुत ही अशुभ माना जाता है। प्राचीन काल से ही होली के त्योहार को बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। होली का पर्व खुशियों और रंगों से जुड़ा होता है। दोस्तों, होलिका दहन की रात को दैवीय शक्तियां का उदय होता है और आसुरी शक्तियां का विनाश होता है। होली की रात इन दिव्य शक्तियों की पूजा आराधना करने से दरिद्रता का नाश होता है और जीवन की सभी समस्याएं नष्ट हो जाती हैं। शास्त्रों में इस दिन को दुख तकलीफों से छुटकारा पाने के लिए सर्वोत्तम दिन माना गया है। नक्षत्र विद्या में होली की रात को सिद्धि की रात कहा गया है। इस दिन वातावरण में नकारात्मक और सकारात्मक दोनों प्रकार की ऊर्जा बहुत सक्रिय रहती है। इसीलिए प्राचीन काल से ही मुनि तथा तांत्रिक आदि अपनी अपनी विद्या और पूजा पद्धति के अनुसार सिद्धियों को प्राप्त किया करते आए हैं। दोस्तों, होली की रात जो साधना की जाती है वह बहुत ही प्रभावशाली और फलदायी मानी जाती है। इस दिन उपाय करने से वह निश्चित ही सफल होते हैं, इसमें कोई शंका नहीं है। इसीलिए आज हम आपको शास्त्रों में बताए गए उन महत्वपूर्ण उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपको आपके जीवन से परेशानियों को खत्म करने में काम आएंगे। ये उपाय आपकी दरिद्रता को दूर करेंगे और परिवार में सुख शांति स्थापित करेंगे। इसीलिए आप इस दिन बिना चूके यह अचूक उपाय जरूर करें। शास्त्रों में कुछ गुप्त उपायों के बारे में बताया गया है जिन्हें हमेशा ही गुप्त तरीके से करना चाहिए। यह उपाय कभी दूसरों के सामने नहीं करनी चाहिए, अन्यथा इनका फल व्यर्थ हो जाता है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं हमें होली की अग्नि में कौन सी चीजें भस्म करनी चाहिए और कौन सी चीजें डालना वर्जित बताया गया है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें और वीडियो को एक लाइक कर दें। और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डालना ना भूले, ताकि हम आपकी राशि के अनुसार कोई भी उपाय होगा तो हम आपके कमेंट में रिप्लाई में बता देंगे। सबसे पहली बात दोस्तों, कई लोग होली की अग्नि में गन्ना डालते हैं। ऐसा करना शुभ फलदायक होता है, लेकिन ध्यान रहे गन्ने के टुकड़े करके नहीं डालना चाहिए, अथवा खराब गन्ना भी होली की अग्नि को अर्पित नहीं करना चाहिए। इससे होलिका माता अत्यंत क्रोधित हो जाती है। टूटा हुआ अथवा खराब गन्ना कभी पूजा पाठ में भी इस्तेमाल नहीं किया जाता है। होली की अग्नि में जब आप गन्ना डालते हैं तो उसके ऊपर गन्ने के पत्ते जरूर होने चाहिए। अधूरा गन्ना होलिका में डालने से पूजा संपन्न नहीं होती है। होलिका की अग्नि में गन्ना डालते समय उसकी संख्या 2, 5 या 7 इस क्रम में होनी चाहिए। दोस्तों, दूसरी बात, होली की अग्नि में नारियल चढ़ाना शुभ होता है, लेकिन नारियल चढ़ाने से पहले ये बात जान ले कि नारियल पानी वाला नहीं होना चाहिए। होली की अग्नि में हमेशा ही सूखा हुआ नारियल ही डालना चाहिए। नारियल डालने से पहले उस पर अपने संपूर्ण परिवार का हाथ जरूर स्पर्श करवा ले और फिर उसे होली की अग्नि को समर्पित करे। इससे घर परिवार से क्लेश और लड़ाई झगड़े समाप्त होते हैं, परिवार में सुख शांति बढ़ती है और दरिद्रता दूर होती है। सूखा हुआ नारियल अग्नि में डालने से होलिका माता आपकी सभी परेशानियों को ले जाती है और आपको आशीर्वाद प्रदान करती है। अग्नि में नारियल डालने से अग्नि देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं। दोस्तों, होली माता को घर का भोग अवश्य लगाना चाहिए।
आप अपने घर में जो भी भोजन बनाते हैं वो होली माता को जरूर अर्पित करें। होली को गुजिया अथवा मीठी रोटी जरूर चढ़ानी चाहिए, इससे होली माता अत्यंत प्रसन्न होती है। ध्यान रहे, होली को गुजिया अथवा मीठी रोटी चढ़ाते समय वह 2 अथवा 4 की संख्या में होनी चाहिए, 3 की संख्या में कभी नहीं चढ़ानी चाहिए। होलिका माता को आप बर्फी का भोग जरूर लगाएं, जहां होली माता को सबसे अधिक प्रिय होता है। होली की अग्नि में गेहूं की बाली या कोई भी नई फसल चढ़ाने चाहिए, इससे आपके घर में कभी अन्न धान्य की कमी नहीं होती है। होली माता को चावल और कच्चा पापड़ जरूर चढ़ाना चाहिए। अगर आपके घर में धन की समस्या है तो आप एक उपाय जरूर करें। होलिका दहन के दिन होली जलाने से पहले थोड़ा सा सिंदूर होली में डालकर ओम श्री नमः इस मंत्र का उच्चारण करें। यह मंत्र महालक्ष्मी मंत्र है, इससे आपके जीवन से धन की कमी दूर होती है। होली की अग्नि में कभी भी कपड़े नहीं जलाने चाहिए, इसे बहुत ही अशुभ माना जाता है। होली की अग्नि में कभी भी गंदी चीजें, कचरा, प्लास्टिक की चीजें नहीं डालनी चाहिए, इससे होली की अग्नि से दुर्गंध आती है और वातावरण अपवित्र बन जाता है। दोस्तों, होली की अग्नि में गाय के गोबर से बने उपले और सूखी हुई लकड़ी का ही प्रयोग करना चाहिए। इसके साथ ही अरंडी के पत्ते भी डालनी चाहिए, इससे घर के आसपास की सभी नकारात्मक शक्ति नष्ट होती है। होली की अग्नि जलाने से पहले होली को जल अर्पित करके उसकी परिक्रमा जरूर करनी चाहिए और अपने मन की इच्छा प्रकट करनी चाहिए। आपके द्वारा जो भी भूल हुई है अथवा जो भी पाप हुए हैं उनके लिए क्षमा मांगनी चाहिए। आपके अंदर के सभी पाप उसी दिन नष्ट हो जाते हैं और आपको पुण्य की प्राप्ति होती है। और दोस्तों, होली की अग्नि में कभी भी हानिकारक केमिकल नहीं डालनी चाहिए। होली में आप तेल का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन पेट्रोल और मिट्टी के तेल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार होलिका दहन के दिन कुछ कार्य कभी नहीं करनी चाहिए, जैसे महिलाओं को अपने बाल खुले रखकर होली के समक्ष नहीं जाना चाहिए। महिलाओं को अपने बाल बांधकर ही होलिका माता का पूजन करना चाहिए। माना जाता है कि इस दिन नकारात्मक शक्तियां चरम पर होती है। बाल खुले रखने से यह नकारात्मक शक्तियां आपकी ओर आकर्षित हो सकती हैं। अगर कोई स्त्री मासिक धर्म का पालन कर रही हो तो उसे होली की अग्नि नहीं जलानी चाहिए और पूजा भी नहीं करनी चाहिए। शास्त्रों में इसे वर्जित बताया गया है। साथ ही गर्भवती महिलाओं को होलिका की अग्नि के समीप नहीं जाना चाहिए, इससे होने वाले बच्चे पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। एक बच्चे की माता को भी होलिका की अग्नि जलानी नहीं चाहिए। दोस्तों, होली की राख का उपयोग कई चमत्कारिक उपाय करने के लिए किया जाता है। ये राख घर से नकारात्मकता दूर करने में बहुत कारगर होती है। आप होली की राख को अपने घर पर जरूर लेकर आए और इसे अपने घर के कोने में डाल दें अथवा होली की राख पानी में मिलाकर घर में पोछा लगा दें। इससे घर से संपूर्ण नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है। साथ ही होली की राख को अपने मस्तक पर लगाना भी बहुत शुभ होता है। इसे छोटे बच्चों के मस्तक पर लगाने से बुरी नजर का प्रभाव खत्म होता है। अगर घर में धन की समस्या है, धन नहीं दिखता है, तो होली की राख को एक सफेद कपड़े में बांधकर अपने घर की तिजोरी में रख दे, अथवा आप जिस स्थान पर धन रखते हैं उस स्थान पर रख दे, इससे धन से जुड़ी समस्या खत्म होती है। दोस्तों, अगर होली की राख को काले कपड़े में बांधकर घर के बाहर लटका देना चाहिए, इससे घर पर बुरी नजर का प्रभाव खत्म होता है और परिवार में सुख शांति की अनुभूति होती है। होली के दिन कभी किसी को सफेद चीजें उधार में नहीं देनी चाहिए और दूसरों से सफेद चीजें भी नहीं लेनी चाहिए, इससे आपके जीवन में दुर्भाग्य आ सकता है। दोस्तों, इस दिन कई लोग टोने टोटके, काला जादू आदि प्रकार के अनिष्ट कार्य करते हैं। अगर कोई आपको सफेद वस्तु देता है, जैसे नमक, सफेद कपड़ा, चावल, तो भूल से भी नहीं लेना चाहिए, अन्यथा आपको इसके अशुभ परिणाम भोगने पड़ सकते हैं। होली की रात को चौराहे पर अथवा दुर्गम स्थान पर नहीं जाना चाहिए। इस दिन ऐसे स्थानों पर कई तांत्रिक क्रियाएं की जाती है और अशुभ चीजें मार्ग में डाल दी जाती है। अगर गलती से आपका पैर इन चीजों पर पड़ता है तो इसका अशुभ प्रभाव आपके जीवन पर पड़ सकता है। और ध्यान रहे, मांस मदिरा का सेवन करके होली की अग्नि के पास नहीं जाना चाहिए। होली की अग्नि अत्यंत पवित्र होती है। जो भी इस दिन मांस मदिरा का सेवन करके होली की अग्नि के पास जाता है, उसे महापाप लगता है। शास्त्रों के अनुसार ऐसे व्यक्ति को नरक में जाना पड़ता है और अगला जन्म कुत्ते का प्राप्त होता है।
होली के दिन कभी किसी स्त्री को अपमानित नहीं करना चाहिए, खासकर अपनी बहन को कभी अपशब्द नहीं कहना चाहिए। इससे होलिका माता अत्यंत क्रोधित हो जाती है। इस दिन स्त्री का अपमान करने वाले मनुष्य को रोग आदि दुखों का सामना करना पड़ता है और यह एक पवित्र अग्नि है, इसे सदैव नमस्कार करना चाहिए। होलिका दहन के बाद दूसरे दिन धुलेटी जरूर खेलनी चाहिए। इस दिन रंग लगाने से आपके जीवन से नकारात्मकता नष्ट होती है। रंग लगाने से जीवन में सकारात्मकता आती है और सभी बुराइयां नष्ट होती है। अब दोस्तों आपको होली पर किए जाने वाले महाउपाय के बारे में बताने जा रहे हैं। दोस्तों होली की रात सरसों के तेल का चौमुखी दीपक घर के मुख्य द्वार पर लगाए वो उसकी पूजा करें। इसके बाद भगवान से सुख समृद्धि की प्रार्थना करें। मान्यता के अनुसार ऐसा करने से हर प्रकार की बाधा का निवारण होता है और यदि व्यापार या नौकरी में उन्नति ना हो रही हो तो 21 गोमती चक्र लेकर होलिका दहन की रात में शिवलिंग पर चढ़ा दें। इससे बिजनेस में फायदा होने लगेगा, धंधा व्यापार में उन्नति होने लगेंगी। ये बहुत ही कारगर उपाय है, आप इस उपाय को होली पर अवश्य करें। यह उपाय करके हमारे साथ कई ऐसे लोग जुड़े हैं जिनका जीवन पूरी तरह से बदल चुका है। आप भी अपना जीवन अगर बदलना चाहते हैं तो ये उपाय जरूर करें। लाल मिर्च अनेक प्रकार की समस्याओं से मुक्ति दिलाने में काम आती है। अगर आप किसी इंटरव्यू पर या किसी शुभ कार्य के लिए अगर बाहर जा रहे हैं तो घर की दहलीज पर 5 लाल मिर्च रख दे और घर से निकलते समय उन्हें लंघकर कदम आगे बढ़ाएं। हर कार्य में आपको सफलता मिलेंगे। दोस्तों अगर आपके कार्यों में लगातार बाधाएं आ रही हैं तो ये उपाय जरूर कीजिएगा। होली की रात को सोने से पहले किसी गिलास या फिर कटोरी में पानी ले ले, उस पानी में सूखी लाल मिर्च के बीज डाल दे और उस गिलास या कटोरी को सोते समय अपने सिरहाने रख दे। सुबह उठने के बाद उस बर्तन को उठाकर अपने ऊपर से 7 बार उल्टा उतारे, यानी कि बाएं हाथ में लेकर जीस और घड़ी की सुई घूमती है उसकी उल्टी दिशा में घुमा ले, फिर उस पानी को घर से दूर जाकर पानी को फेंक दे, फिर बिना पीछे मुड़े घर चले आए। इससे आपके ऊपर छाई नकारात्मकता दूर हो जाएगी, मन आपका शांत हो जाएगा, दृष्टिकोण सकारात्मक बनेगा और कार्यों में सफलता मिलने लगेगी और विघ्न बाधाएं आना बंद हो जाएंगे। दोस्तों जिंदगी में सबसे बड़ी समस्या ज्यादातर जो होती है वह दरअसल धन की होती है। अगर आपको पैसों की किल्लत सता रही है, धन हाथ में नहीं टिकता तो ऐसे में यह उपाय जरूर आजमाएं। दोस्तों 5 लाल मिर्च को किसी साफ कपड़े में बांध ले और माता लक्ष्मी का नाम जपते हुए उसे अपने धन रखने के स्थान पर रख दे। आपकी तिजोरी कभी खाली नहीं रहेंगी, कहीं ना कहीं से ही धन का आगमन होता रहेगा। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे विनती करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएगा। दोस्तों अगर आपको लगता है कि आपके विरोधी या शत्रु केवल आपके पीछे पड़े हैं बल्कि उनके किए के कारण आपको तकलीफ उठानी पड़ रही है तो ऐसे में किसी होली की शाम को 5 लाल मिर्च ले, उसमें थोड़ी पीली सरसों के दाने और थोड़ा नमक ले ले और दोस्तों अब आप अपने दुश्मन का नाम लेते हुए या फिर जिस किसी के ऊपर आपको शक है कि उसने कुछ आपके ऊपर टोना टोटका किया है तो ऐसे में उसका नाम लेते हुए अपने सिर से पीड़ित के सिर से 7 बार घुमा ले और फिर घर से बाहर ले जाकर फेंक दें। अगर आपके ऊपर किसी भी व्यक्ति ने टोना टोटा कराया है तो उसका सारा असर खत्म हो जाएगा, आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगे। दोस्तों बीमारियों से छुटकारा पाने के लिए भी लाल मिर्च बहुत ही काम आती है। आप 7 लाल मिर्च और फिटकरी और काले तिल एक कटोरी में ले ले, ऐसे में इस कटोरी को आप किसी मरीज के पास में रख दें। ये उपाय करने से आसपास की सारी नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। ऐसे में हर 10 दिन में कटोरी में रखी चीजों को बदलते रहे जब तक व्यक्ति ठीक ना हो जाए, इस क्रिया को दोहराते रहे या फिर आप 5 लाल मिर्च को एक कपड़े में बांधकर मरीज के बिस्तर के नीचे रख दे और अगले दिन उन्हें पानी में बहा दे। स्वास्थ्य समस्याओं को दूर करने में बहुत मदद करता है। और दोस्तों यदि आपके घर में किसी भूत प्रेत का साया है तो जब होली जल जाए उसके बाद आप होलिका की थोड़ी सी अग्नि अपने घर ले आइए और अपने घर के आग्ने कोन में उस अग्नि को तांबे या मिट्टी के पात्र में रखें। सरसों के तेल का दीपक जलाए, माना जाता है कि इस उपाय से आपकी परेशानी दूर हो जाएगी, भूत प्रेत छाया बाधा या नकारात्मक तंत्र विद्या सब समाप्त हो जाएगा। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा और यूजफुल वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन जरूर दबाए। धन्यवाद।